बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद है मूसा कॉलोनी की मार्केट में। आज इस मार्केट को हम एक्सप्लोर कर, इतनी पुरानी मार्केट है, तो आइए चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइए, मूसा कॉलोनी का काफ़ी पुराना होटल लग रहा है मुझे, तो अच्छा आपके पास होटल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? हमारे पास नाश्ता होता है सुबह के टाइम पे, अंडा पराठा सालन छोले, ये मशहूर छोले हमारे, बड़े दूर दूर से लोग खाने के लिए आते पसंद करते। दोपहर में रोल, समोसा, कचौरी, अंडा पूरी, हमारे ये बांग्लादेश का कारीगर है अब्दुल मालिक। अच्छा, बांग्लादेश है? मीडियन बांग्लादेश ढाका। अच्छा अच्छा, ये क्या आपके पास नाश्ते में क्या है? हमारे पास अभी बट का सालन है, पराठा है, अंडा है, छोले है, चाय है। अच्छा, ये मार्केट कितनी पुरानी है? ये मार्केट 1947 की मार्केट बनी हुई है, जनरल मूसा ने इसको आबाद किया और जब से ही हम इधर आबाद है। ठीक है। अच्छा, और आगे मार्केट काफ़ी बड़ी आगे पूरी मार्केट है, ये पूरी मार्केट एशिया की, यानी कि तकरीबन बड़ी मार्केट है ये एशिया की। कराची के अंदर ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, मछली मार्केट, सब्जी मार्केट, कपड़ा मार्केट, हर चीज़ यहाँ आपको अवेलेबल मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नाजिन आगे चल के देख लेते हैं आगे मस्जिद क्या क्या। आपके पास कौन कौन सी फिश है और ये किस किस्म की फिश का इस्तेमाल किया जाता है? क्या ड्राई फिश है? मतलब किस काम के में यूज किया है? खाने के लिए होता है। अच्छा, किस किस्म खाने के लिए? नॉर्मल खाने में यूज किया जाए, स्पेशल खानों में इस्तेमाल किया जाए? वैसे तो नॉर्मल है, आप लोगों के लिए हो सकता है स्पेशल हो। अच्छा, ये कौन कौन सी है थोड़ा बताएंगे? थोड़ा ये कौन सी फिश है? है, झींगा है, प्रॉन है। अच्छा, ये झींगा है? हाँ, ये प्रॉन है। ठीक है। चिन मच्छी है? ये भी प्रॉन है। ये भी प्रॉन है, छोटा है। ठीक है। ये कौन सी मछली है? अच्छा, और ये कैरी है। तो ये उनका जायका अच्छा होता है? हाँ, खाने बनाने में बेहतरीन जायका होता है। तो इनके क्या क्या रेट हैं? इनके रेट थोड़ा बताइए, प्रॉन वगैरह क्या रेट है? प्रॉन का ये आपके 600 रुपए किलो है। ठीक है। और कांसा का भी 600 रुपए किलो है। ठीक है। 600 रुपए किलो, ये 500 रुपए किलो है। ठीक है। और ये छोटे प्रॉन 600 रुपए किलो है। ये भी 6, ये भी 6। अच्छा, और ये कौन सी? ये हलवा है। ये क्या प्राइस है? 500 रुपए के जी। 500 रुपए। और ये वाली ये चीन है, चीन 800 रुपए के जी है। ये 800 पे? 800 रुपए के जी। देखिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। पान छाली की शॉप है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म पानी आपको मिलेंगे, छाली में हर किस्म की अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे इनकी पत्ती वगैरह होंगे जो पान में इस्तेमाल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इनके बारे में थोड़ा बताइएगा, बस थोड़ा सब्जी बता दीजिएगा, क्या क्या चीज़ आपके पास है? सर क्या बताए सर, ये तो पान छाले जो आम खाने वाले लोग, इनके तो क्या हिसाब है, किलो के हिसाब से बेचते हैं या वैसे? तो बहुत सीज़न है, समझ ले गर्मियों में इसकी सीज़न रहती है, पैदावार। कौन कौन से पान है आपके पास, देखिए बताइए? कराची है, एक सैलोन है। सैलोन और बस ही दो? और ये आपके पास मसाला ये पड़े जो आपके पास जानी वगैरह तम्बाकू बस ये नॉर्मल यूज़ का रिटेल में बता रहे हैं या इसके होलसेल में? होलसेल रेट में भी है। होलसेल आप कैसे दे रहे हैं? होलसेल में तो क्यों मैक्सिमम ये है 450 रुपए किलो। ठीक है। और जैसे ये वाले महंगे होते हैं। ये कौन सा दिखाएंगे? सैलून दिखाएंगे। ये इनसे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, ये बाहर के होते हैं। ये क्या पर केजी दे रहे हैं? ये 120 रुपये 50 ग्राम है। 50 ग्राम 120 का मैक्सिमम ये 1200-1500 रुपये किलो बेचते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक सौ अस्सी रुपये किलो सही मीठा आम है? कौन सा है? मीठा ना जो है अपने ना जो है नहीं कि अपने इसका वो बोला हमने दूसरी है और वो वाला कौन सा है? एक ही आम है दो ना, वो कैसे है? साइज का फर्क है, 120-180 चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह और आगे फ्रूट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह भी, मार्केट वगैरह भी है, सामने स्पाइसेस वगैरह भी है। देखिए जैसे कि आप जैसे दाएँ जा रहे हो, स्पाइसेस वगैरह और यहाँ पर साथ तमाम वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे, तो आए मजे चल के देख लेते आगे और क्या है। भाई क्या हिसाब दे रहे हो? ये 150 रुपये किलो, 2 किलो 250 रुपये। 2 किलो 250, 2 किलो 250। खुले 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 तेल है? महंगाई के बारे में बताने कितने दिन तक, कितने दिन पहले क्या है? ये ऑयल तो इस वक्त बहुत महंगा हो चुका है, ये ना पाबंदी भी लगी हुई है इसके ऊपर, खुले ऑयल के ऊपर। अच्छा, तो क्या क्या हिसाब दे रहे हैं? दिखाइए थोड़ा सा इसको खोल के, देखिए कौन कौन सा आपके पास ऑयल है। अच्छा, ये कौन सा ऑयल है? ये पकवान है। पकवान है, ठीक है। और कौन सा आपके पास क्वालिटी के अलावा? सरसों का। ये कौन सा? ये सरसों का। सरसों क्या हिसाब है? सरसों 500 रुपये। 500 वही है? ये 520। ये 520। और ये कौन सा? ये भी वही है, पकवान ही है। पकवान ही है।
अच्छा 500 रुपीज कितनी देर में फिर से मतलब उनके रेट बढ़े हैं? ये तो रेगुलर रोज की बुनियाद पर रेट बढ़ रहे हैं। रेट अभी जैसे पेट्रोल वगैरह के भी रेट बढ़े हैं? नहीं अभी इस वक्त रेट नहीं बढ़े, अभी बड़े पुराने रेट दे रहे हैं। ये पुराने रेट ही है तो घी क्या हिसाब? पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, उस वक्त तेल के रेट नहीं बढ़े। अच्छा अभी घी क्या हिसाब दे रहे हैं पर के जी? क्या है घी चल रहा है पर के जी? 500 रुपये, 480 रुपये, 480 ये 500। ये होलसेल बता रहे हैं नॉर्मल? नहीं नहीं रिटेल, होलसेल तो नहीं है, हम रिटेल। ठीक है बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तेल कितना महंगा हो गया, पहले सस्ता खाते थे इमरान खान की हुकूमत में, वो बोले थे तब्दीली आएगी तो सब सही हो जाएगा, कद्दू हो जाएगा 520 रुपए किलो पकवान तेल हो गया। और तो पहले क्या सब इमरान खान की हुकूमत में कितना था? पहले इमरान खान की हुकूमत में 400 कुछ रुपए का था, अभी 520 रुपए का हो गया। तो अभी तो पीटीए की हुकूमत नहीं, अब तो नून की हुकूमत। नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये बोला गरीब को 2000 रुपए देंगे, 2000 रुपए महीने में घर चलता है क्या? ये खुद खा लें तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये तो कह रहे हैं हमारे आते के साथ ही हम तो सब कुछ सही कर देंगे। 6 दिन में बोले हमारे आते के साथ ही लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लोड शेडिंग तो खत्म नहीं होगा, हम लोग खत्म हो गए। क्या नहीं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लहसुन क्या हिसाब है? ये भाई जान 80 रुपये पाव। 80 रुपये पाव है? और ये कौन सा मिक्स अचार है? ये क्या हिसाब है? 50 रुपये। 50 रुपये पाव। कौन कौन सा अचार है ये? और ये कौन सा है? ये भी मिक्स है, ये भी 50 रुपये पाव। ठीक है जी, शुक्रिया। भाई क्या ऐसा बोले? चिकन मुर्गी का गोश्त, पूरी मुर्गी 440, रान का गोश्त 380। और इच्छा और क्या है अपने पास? और हमारे पास बाजू है 40 रुपए पाव, दुम है 60 रुपए पाव, पाए है 30 रुपए किलो, बस पाए 30 रुपए किलो, सस्ता हमारे पास होलसेल मार्केट हमारी। अच्छा अच्छा, थोड़ा रेट बताइए क्या क्या चीज आपके पास है? ये हमारे पास गर्म मसाले, ठीक है, कौन कौन से थोड़े बताइए? काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची। सबके रेट सब एक जैसे रेट है? 20-20 रुपए। 20 तो मतलब इसे ही स्पाइसी से ओरिजिनल है? हाँ ओरिजिनल है सब, ठीक है। मतलब खाने के जायका खराब तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो ना उसका जायका प्लस चेंज हो जाए। ये देखिए ये मिर्चे देखें, ये कौन सी मिर्ची? ये तो चाट मसाला है। ये नहीं, ये मिर्चे हैं, मिर्चे इसके अंदर बुरादा और कलर नहीं है। अच्छा ये घर में पीसी देखा, सही से पीसी भी नहीं है, ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा, और दिखाएगा ये देखिए हल्दी, ये प्योर है जी। क्या हिसाब है ये? ये 60 रुपए की आधा पाव, 50 की बेच रहे थे, रेट इतना हाई हो गया। अब तो माल देखे या खाली है, कोई लेने वाला नहीं है। अच्छा ये 50 रुपए है क्या? ठीक है। अच्छा और क्या है आपके पास? ये मेथी, ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी, ये कितने की? 20 रुपए। 20 रुपए ये नहीं कि सब चीज़ें मतलब 20-20 रुपए की। 20 रुपए। ये कुछ कपड़े की मार्केट अलग से है, थोड़ा भूसा कॉलोनी के अंदर ही है, तो इसकी भी थोड़ा रेट लेते हैं। यहाँ पे ओवरलॉक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आइए मेरे साथ। भाई साड़ी वगैरह भी है? साड़ी भी। कौन कौन सा कपड़ा है, क्या हिसाब दे रहे हैं? मेरे को क्या कहते हैं, लोन के सूट है। लोन के क्या सूट पड़ रहा है? 750 वाला भी है, 800 वाला भी है। ये कौन सा है? लोन जी। ये 750 वाला है जी। अच्छा ये कौन सा, ये फुल सूट पड़े जी? ये कितने का सूट? 1000 रुपये। ये दिखाइए, पूरा सूट है, कम्प्लीट है। देखो दोस्तों ये कौन सा सूट खिला है? कॉटन में, कॉटन। लेडीज से दिखाइए कोई। ये लेडीज के इनिशियल है, टू पीस है सारे। ये कितने के? 750 में दे रहे हैं, ठीक है। ये 750 में। और ये पर जो लॉन्ग आपके पास है? 1200 का सूट है, टू पीस है ये भी? नहीं थ्री पीस है। ठीक है ठीक है, ये 2000 का। और ये 1200 के, 2000 के, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा सा इस चीज़ों के थोड़ा रेट बताइए क्या क्या है? अच्छा जी, इसके 6 पीस देते हैं, 6 पीस, ठीक है। और ये कि थोड़े बहुत इसमें गुंजाइश कर लेते हैं, हो जाती है? हाँ हो जाती है। ये शीशे का है, ये पड़ता है 350 का, ये 350, 6
बाकी ये जाएगी, ये होटल वाले हैं, बाकी ये कप वगैरह, ये ट्रे है, ये 200 रुपए का सेट है, तीन का होता है 200 रुपए जी, तीन का सेट है 200 रुपए का, ठीक है। अच्छा और सर क्या है आपके पास? कूलर मतलब कूलर के रेट बताइए। कूलर है हाँ तो गर्मी वैसे भी ज़्यादा है जी, डर दिखाओ तो ये कूलर है, ये देख लें आप, ठीक है। कितने लीटर का है ये? है जी अल्लाह भला करे ये 10 लीटर का है। 10 लीटर कितने का है ये? 8 लीटर। अच्छा ये तो ये भी ये सेम है, सेम ये लोटा है। वैसे बहुत महंगे हो गए, 25 करोड़ रुपये का तो हो गया, तो ये ज़्यादा का हो गया, 25 करोड़ भी ज़्यादा का हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इनकी शॉप है देखने के, जैसा कि आप ये थोड़ी सी बड़ी शॉप है। हाँ ये बड़ी शॉप। अच्छा इनकी भी अलग अलग रेट है, सेम रेट है इनका? हाँ रेट एक 250 रुपये की छः, 250 रुपये की छः। अच्छा फायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं। अच्छा ये थोड़ा ये बता, स्पाइसेस बॉक्सेस वगैरह ये कितने का? 150 का सेट है ये, 150 है, ठीक है। अच्छा ये कितने का? ये भी 150 हुआ, ये भी 150 है, 180 रुपये का, 180 का। ये बड़े हैं और ये 3 का है, ठीक है। अच्छा और कौन सा आपके पास रहेगा? ये देख लें, ये भी एक ही है। अच्छा इससे बड़े थोड़े से, 180 रुपये का ये, 180, ठीक है। अच्छा ये बॉक्सेस ही बताएंगे? ये मसाले के मसाला बॉक्स, ये 800 रुपये का सेट है 6 का, ठीक है। और ये? ये वाला 1000 रुपये का सेट है, 1000। अच्छा ये डायमंड वाले के 4 पीसेस ये सेट है, ये कितने के? ये 2500 रुपये, 2500 रुपये का। कूलर और हॉट पॉट का सेट है, अच्छा पूरा एक सेट है, 4 पीसेस का, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू भाई। टमाटर क्या हिसाब है? टमाटर 100 रुपये किलो। 100 रुपये और खीरा? 60 रुपये किलो। 60 रुपये प्याज? प्याज बहुत अच्छे हैं, लेमन? लेमन 100 रुपये पाओ। वालेकुम सलाम सर, क्या हिसाब है गोश्त? गोश्त सस्ते का। क्या हिसाब है? 500 रुपये किलो, राने को 450। 450 रुपये किलो, हाँ ये 450 सस्ता कर दिया बाहर। तो वैसे कितने की बाहर, कितने की ये चिकन? चिकन बाहर चाहिए 550-450। मतलब तो आप 500 दे रहे हैं? अच्छा 500 के रेट, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है, हमने 170 रुपये दर है। कितने का एक पड़ेगा? एक अंडा 14 रुपये का, 15 रुपये का, 15 रुपये। अच्छा लेबर कौन कौन से आपके पास करेंगे? थोड़ा लेबर ये 100 रुपये, 400 रुपये किलो, 480 रुपये। कौन कौन सी? 400 रुपये, ये 400, ये 480 है, ठीक है। और ये दाल? ये 400 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। चिप्स वाला? चिप्स 480, 480। और ये भी ये भाई, शुक्रिया भाई। कैसे दे रहे भाई? अपने ही मोहल्ले में चिकन बिरयानी सिर्फ 50। बिरयानी तो सही लग रही है, 50 रुपये पाव है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
सस्ते करके दिए उसने 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो सस्ते करके दिए? सस्ते करके दिए। मतलब भाई क्या हिसाब से उसने सस्ते करके दिए? 120 बता रहा हूँ। 120 तो 50 रुपए 40 रुपए 50 रुपए। कैसे सस्ते कर लिए? महंगे दिए फिर भी। अच्छा ये खीरे कैसा भी? खीरे 70 रुपए। 70 रुपए 50 रुपए में दे रहे हैं तो बहुत महंगे से बहुत महंगे भेज दिए। ये तो महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत बहुत महंगाई है। बस ये ना ये कह सकते हो गवर्नमेंट को अल्लाह हिदायत देगा। अच्छा इमरान खान हुकूमत बेहतर थी ये हुकूमत बेहतर थी? मैं हमें तो इमरान खान की बेहतर लगी। तो लोग तो बोल रहे हैं अच्छी हुकूमत है। देखो आगे चल के पता चल जाएगा किसकी हुकूमत बेहतर है। तो मतलब वो महंगाई हो गई अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। जैसा कि दोस्तों आपने देखी कोई मार्केट हमने अपने विजिट कराया है, जो किसी और वीडियो सर तब तक के लिए इजाजत है।